नमस्कार जय माता दी मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह अब हम पहुंच गए हैं आठवीं देवी यानी दुर्गा के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की बात करेंगे माँ महागौरी राहु ग्रह को शांत करती हैं राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं कहा जाता है कि राहु ग्रह बहुत भटकाव का ग्रह होता है आपको स्टेबिलिटी नहीं देने देता आपको फ्लक्चुएट रखता है हमेशा उलझाए रखता है लेकिन अगर आप माँ महागौरी की बात करें उनकी पूजा करें आराधना करें तो यकीन मानिए राहु कोई कंट्रोलिंग भी आ जाती है राहु भी आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाते इनफैक्ट आपको पॉजिटिव रिएक्शन पॉजिटिव फल देना शुरू कर देते हैं अपने बहुत गौर रंग के कारण इनका नाम मां महागौरी इसीलिए इन्हें मां महागौरी के नाम से पुकारा जाता है शंख चंद्रमा और सफेद फूलों से इनकी तुलना की जाती है अपने इस गौर आभा के कारण इन्हें देवी महागौरी के नाम से ही पुकारा जाता है नाम से ही जाना जाता है मां महागौरी केवल श्वेत यानी सफेद यानी व्हाइट कलर के वस्त्र ही धारण करती हैं। श्वेताम्भ्र धरा श्वेताम्भ्र धरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है इनकी स्वारी है वृष अस्त्र शस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो चार हाथ मां दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभे मुद्रा में रहती हैं और बाएं हाथ में डमरू और वरदा मुद्रा में रहती हैं माँ महागौरी की पूजा अर्चना और व्रत करने से अविवाहिता कन्याएं जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है सुयोग्य वर नहीं मिलता उन्हें विवाह के पूरे योग बनते हैं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है माँ महागौरी के पूजन से समस्त पापों से आपको छुटकारा मिलता है और ऐसे पापों से छुटकारा मिलता है जो अनजाने में हुए हैं जानबूझकर किए हुए पाप नहीं ये बहुत बड़ा गुनाह होता है तो इसीलिए पाप और गुनाह में फर्क समझिए सुख में वृद्धि होती है नारंगी रंग के वस्त्र पहन करके अगर आप माँ महागौरी की आराधना करते हैं पूजा करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए माँ महागौरी को अगर आप सुयोग्य हैं वर की तलाश में हैं वधु की तलाश में हैं, तो आपको माँ महागौरी की आराधना करनी चाहिए और ख़ास करके इस मंत्र का जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं इसकी आराधना ज़रूर कर लें क्योंकि ये मौका आप छोड़ ना दें ये मौका फिर बहुत ही महीनों के बाद आपको मिलेगा जब चैत्र नवरात्रे आएंगे पूरे एक साल के बाद तब आप इस विधि को कर सकते हैं अब मंत्र की बात करते हैं या देवी सर्वभूतेशु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप लाल वस्त्र पहन करके लाल आसन लेकर के और अपने समक्ष लाल चुनरी रख लें और इस पूजा को आपने ठीक रात को आठ बजे शुरू करना है और कम से कम सात मालाएं ये जाप आपने करना ही है क्योंकि अगर आपने बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकलना और खास करके अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुख भरा हो और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए और अगर आपको कोई कष्ट है तकलीफ़ है किसी तरह का को कोई तनाव स्ट्रेस है तब भी आप ये पूजा कर सकते हैं और जब आप ये पूजा कर लें और जो आपने लोटा भरा हुआ है नारी पानी का वो आपने अपने हाथ में लेकर के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड से आपने ज़मीन पर जल डालना है और उसके बाद कामना करनी है संपूर्ण विधि की और साथ के साथ जो समक्ष में आपने एक चुनरी लाल रख लेनी है और लाल चुनरी को देखते हुए आपने ये पूरी पूजा विधि करनी है पूरे मंत्र जाप करने हैं जैसे ही सारी विधि पूर्ण हो जाए आपने ये आसन छोड़ करके लाल चुनरी हमेशा आपने साथ रखनी है जब भी आपको लगे कि आप विवाह की बात करने जा रहे हैं तो इस लाल चुनरी को साथ ले करके जाए अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है पति पत्नी के रिश्तों में कोई दरार बढ़ती जा रही है आपको कहीं भी वो एक रास्ता नहीं मिल रहा जिससे आप रिश्ते को बहुत संभाल सकें संवार सकें तो आप कुछ क्षण बुधवार के दिन आप इस चुनरी को कुछ समय आप अपने ऊपर ओढ़ लें और इस मंत्र का जाप करें और ये जाप सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले करें नहा धोकर स्वच्छ होकर के इस चुनरी को ओढ़ करके आप इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी व्यतीत तो होती है इस उपाय को करें और आप अपने लिए खुशियाँ लेकर के आए और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा अगर आपने मेरे YouTube चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें आप YouTube चैनल पर जाकर के मेरे आचार्य जीतू सिंह आप टाइप करें और जो वहाँ पर बेल लगा है बटन दबा है उसे बटन को दबाएं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें वीडियोस को लाइक करें और मुझे Instagram और साथ के साथ TikTok पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबरों के ऊपर संपर्क करके मुझसे मिल भी सकते हैं लेकिन मेरे स्टाफ के साथ बात करके उनसे आप जो एक प्रोसेस है उसे फॉलो करें और फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार